हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 मैंने यहाँ नोट कर रखा है। बोला गया इफ़ ए हेक्सागन ए बी सी डी, जैसे कि मैंने हेक्सागन बना रखा है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट, इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इक्वल है बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए। ठीक है फ्रेंड, हमें ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन दिया है, ठीक है, ए हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ एक षटभुज, ठीक है, षटभुज है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ। मेरे को प्रूफ करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इक्वल बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए, ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, एक थ्योरम का यूज़ करूँगा फ्रेंड। उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, कोई सर्कल है, सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लाइक ये पी और ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो ये टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती हैं, पी ए इक्वल किसकी हो जाएगा, पी बी के हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी थ्योरम है 10.2, जिसको मैंने आपको प्रूव करवाया था। ठीक है फ्रेंड, इस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी टेंजेंट को इक्वल करेंगे। तो जो मैंने पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंटों को कुछ और नाम दे देते हैं हम, ठीक है, जैसे मैंने नाम दे दिया, इसको दे दिया एम एन ओ पी क्यू आर, इन पॉइंटों को नाम दे दिए मैंने। ठीक है फ्रेंड, अब जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस से उठाते हैं, जैसे कि मेरी कौन है, टेंजेंट है ए आर इक्वल किसकी होगी, ए एम के, ए आर इक्वल होगी ए एम के, क्योंकि मैंने क्या बताया, टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इनको लिखने का तरीका बड़ा ही स्पेशल है, कैसे लिखना है, जैसे मैंने ए आर और ए एम दोनों को लिख दिया, इसे नंबर ए वन मान लिया। ठीक है, अब ए एम की कनेक्टिंग लाइन कौन है, बी एम, तो ए एम के नीचे मैं किसको लिखूँगा, बी एम को लिखूँगा, कि बी एम किसके इक्वल है, बी एम इक्वल है बी एन के, तो बी एम इक्वल है बी एन के, इसे नंबर दो दे दिया। अब बी एन की कनेक्टिंग लाइन कौन है, सी एन, तो मैंने इसके नीचे किसको लिखा, सी एन को, सी एन इक्वल है सी ओ के, सी एन इक्वल है सी ओ के, इसको मैंने यहाँ रखा। अब सी ओ की कनेक्टिंग लाइन कौन है, डी ओ, तो सी ओ के नीचे मैंने रखा डी ओ को, कि भाई डी ओ इक्वल किसकी है, डी पी के, डी पी के, इसे नंबर मैंने चार दे दिया। ठीक है, अब डी पी की कनेक्टिंग लाइन कौन है, ई पी, तो डी पी के नीचे मैंने किसको रखा, ई पी को रखा, ई पी, ई पी किसके इक्वल है, ई क्यू के, इक्वल में रख दिया ई क्यू, इसे नंबर पाँच दे दिया। अब ई क्यू की कनेक्टिंग लाइन कौन है, एफ क्यू, तो ई क्यू के नीचे मैंने किसको रख दिया, एफ क्यू, एफ क्यू किसके इक्वल है, एफ आर के, यहाँ रख दिया मैंने एफ आर। ठीक है फ्रेंड, दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ आपको, इसको नंबर छः दे दिया, और सबके नीचे रीज़न क्या आएगा, सेम आएगा, बाय थ्योरम 10.2 पर मैं 10.2 द्वारा, या फिर ये भी ले सकते हैं कि ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा थोड़ा सा इनको रिपीट कर दूं, ए आर इक्वल है ए एम के, क्योंकि टेंजेंट है दोनों। अब ए एम की कनेक्टिंग लाइन कौन है, बी एम, तो ए एम के नीचे बी एम को लिखना है, और बी एम किसके इक्वल होगा, बी एन के, यहाँ लिख दिया। अब बी एन की कनेक्टिंग लाइन कौन है, सी एन, तो बी एन के नीचे मैंने किसको लिखा, सी एन को, सी एन इक्वल होगा सी ओ के, यहाँ लिखा। अब सी ओ की कनेक्टिंग लाइन कौन है, डी ओ, तो सी ओ के नीचे लिखा मैंने डी ओ को, डी ओ इक्वल होगा पी डी के या डी पी के। अब डी पी की कनेक्टिंग लाइन कौन है, डी ई, तो मैंने यहाँ लिखा, सॉरी पी ई, यहाँ पी ई रखा, पी ई इक्वल किसकी है, ई क्यू के, यहाँ रखा। और ई क्यू की कनेक्टिंग लाइन कौन है, एफ क्यू, तो ई क्यू के नीचे मैं रखा एफ क्यू को, एफ क्यू इक्वल होगा एफ आर के, रख दिया। मेरे पास छः इक्वेशन आ गई,
मैं 6 की 6 को ऐड कर देता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 सबको ऐड कर दिया। इन सबको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए आर प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी पी प्लस ई पी प्लस एफ आर इक्वल टू ए एम प्लस बी एम प्लस सी ओ प्लस डी ओ प्लस ई क्यू प्लस एफ क्यू। ठीक है, सबको लिख दिया। अब देखना फ्रेंड लाइन से ए आर प्लस में बी एन ए आर, ठीक है सॉरी यहाँ देखो बी एन बी एन प्लस में सी एन, इन दोनों को जोड़ने पे बी एन और सी एन को जोड़ने पे बी एन प्लस में सी एन क्या बन जाएगा, मेरा बी सी बन जाएगा, यहाँ लिखा बी सी। फिर देखो डी पी प्लस में ई पी डी पी प्लस में ई पी, दोनों को जोड़ दिया कितना बन गया डी ई बन गया मेरा, कितना बन गया डी ई कर दिया। फिर ए आर प्लस में एफ आर, इन दोनों को लिया ए आर प्लस में एफ आर क्या बन गया मेरा ए एफ बन गया, इक्वल टू ए एम प्लस में बी एम, ए एम और बी एम को जोड़ने में क्या बन जाएगा ए बी, सी ओ प्लस में डी ओ सी ओ प्लस में डी ओ क्या बन गया सी डी, ई क्यू प्लस में एफ क्यू ई क्यू प्लस में एफ क्यू क्या बन गया मेरा एफ ई। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था, जो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 23 मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, बोला गया है एस डिनोट द सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसका सेमी पैरामीटर दे रखा है मेरे को एस दे रखा है, ठीक है, विच इज अ बी सी ए सी ए बी एंड ए बी सी। इफ अ सर्कल टचेज द साइड बी सी सी ए ए बी एट डी ई एफ प्रूव दैट बी डी इक्वल टू एस माइनस बी होगा। ठीक है फ्रेंड, तो पहले मैं बना लेता हूँ सर्कल, जैसे फ्रेंड मैंने एक सर्कल बना लिया, थोड़ा सा यहाँ टच करके जाएगा ये, और ये कुछ ऐसे है। ठीक है, ये तीन अलग अलग पॉइंट पे टच करता है। ठीक है फ्रेंड, इसका नाम दे दिया मैंने ए, ठीक है इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, और तीन अलग अलग पॉइंट है मेरे, यहाँ टच करता है डी पे ई पे और एफ पे। ठीक है फ्रेंड, अब टच करने के बाद क्वेश्चन बोल दिया कि जो ए बी साइड है सॉरी बी सी है वो ए है, ये मेरी बी सी है पूरी, कितनी मेरी ये ए है, ठीक है, और सी ए मेरी बी है सी ए, ये पूरी साइड मेरी कितनी है सी ए बी है, और ए बी मेरी सी है, ये मेरी सी साइड है। ठीक है फ्रेंड, अब मान लो फ्रेंड अगर मेरी बी डी, ये वाली जो बी डी है मैंने इसको मान लिया एक्स मान लिया, अगर ये मेरी एक्स है तो ये भी मेरी कितनी होगी एक्स होगी, क्योंकि टेंजेंट क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ये एक्स है तो ये भी कितनी होगी एक्स होगी। इसे मान लिया मैंने वाई, अगर ये वाई है तो ये वाली साइड मेरी कितनी होगी वाई होगी। ठीक है, बची मेरी तीसरी साइड ये वाली, अगर इसको मैंने जेड मान लिया तो ये भी मेरी क्या होगी जेड होगी। ठीक है, इतना करने के बाद मेरे को प्रूफ करना है कि बी डी यानी कि ये वाली साइड इक्वल है एस माइनस बी के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ, गिवन दिया है, ठीक है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ए बी सी विच टचेज बी सी सी ए एंड ए बी। ठीक है, एक वृत्त जो त्रिभुज
एबीसी में स्थित है, जो त्रिभुज एबीसी को एबी बीसी और सीए पर सीए को स्पर्श करता है। ठीक है फ्रेंड। और गिवन क्या है, मेरे को एस दे रखा है इसका सेमी पैरामीटर का मतलब होता अर्ध परिमाप, यानी कि आधा परिमाप। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एस बराबर आधा परिमाप है तो 2s बराबर क्या होगा, पूरा परिमाप होगा, पैरामीटर होगा। ठीक है, और मेरे पास सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि मेरा बी डी इक्वल किसके है, एस माइनस बी के। ठीक है फ्रेंड। और मेरे पास गिवन क्या था, क्वेश्चन में ए बी दे रखा है सी, बी सी दे रखा है ए और ए सी दे रखा है बी। ठीक है, मैंने मान लिया लेट जितनी बी डी होगी उतनी मेरी कौन होगी, बी एफ। बी डी और बी एफ इक्वल होंगी, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जितनी मेरी सी डी होगी उतनी मेरी सी ई होगी, क्या मान लिया मैंने, वाई। जितनी मेरी ए ई होगी उतनी मेरी ए एफ होगी, ए ई इक्वल होगी ए एफ की। इसको मान लिया मैंने जेड, क्यों होगी, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती हैं, बाय थ्योरम 10.1 पर मैं 10.1 द्वारा इसे नंबर वन मान लिया, नंबर टू मान लिया, इसे नंबर थ्री मान लिया। ठीक है फ्रेंड। इतना करने के बाद मेरी जो तीनों साइडें हैं, ठीक है, इन तीनों साइडों का मैं ऐड कर लेता हूँ, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब ए बी का मतलब क्या है, सी, बी सी का मतलब क्या है, ए, और ए सी का मतलब क्या है, बी। रख दिया। अब ए बी के भी दो पार्टीशन है, ए बी है क्या, दो पार्टीशन, कितना है, ए एफ प्लस में बी एफ, ए एफ प्लस में बी एफ। बी सी के भी दो पार्टीशन है, कितना, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। ए सी के भी दो पार्टीशन है, ए सी, ए ई प्लस में ई सी, ए ई प्लस में ई सी। इसको मैंने यहाँ लिख दिया एज इट इज, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है फ्रेंड। इतना लिखने के बाद परिमाप मेरा किसके बराबर, परिमाप का मतलब क्या होता है, पैरामीटर का मतलब इन तीनों भुजाओं का जोड़। तो यानी कि परिमाप का मतलब तीनों को जोड़ दिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़, इसको नंबर मान लो चार मान लो चाहे। ठीक है, ये परिमाप, पूरा परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। तो ए एफ, ए एफ कितना मेरा, जेड, बी एफ कितना मेरा, एक्स, बी डी ये मेरा एक्स, सी डी वाई, ए ई, ए ई मेरा जेड, ई सी, ई सी मेरा वाई, और इन तीनों का जोड़ किसके इक्वल होगा, 2s के इक्वल होगा। यहाँ रख दिया मैंने, रखने के बाद 1x 1x 2x, वाई वाई 2y, जेड जेड 2z इक्वल टू 2s होगा मेरा। ठीक है फ्रेंड। सब में से 2 कॉमन ले लिया, कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2s, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है फ्रेंड। मैंने क्या किया कि इस x को तो मैंने यहीं पे रहने दिया, ठीक है, y प्लस जेड है इसको मैं इधर ले आऊँगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, y प्लस जेड दोनों को मैंने इधर लिया, किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब x है, x का मतलब क्या है, बी डी, ये रहा मेरा बी डी, एस का एस, y प्लस जेड, अगर y, सॉरी ये रहा y प्लस जेड, अगर इन दोनों साइडों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरी बी साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे वाई प्लस जेड की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, और यही मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक्स मेरा कौन है, बी डी, यहाँ बी डी आ गया, एस का एस,
y प्लस जेड, y प्लस जेड कितना मेरा b दे रखा है, तो यहाँ रख दिया मैंने b और ये मेरे को प्रूफ करना था। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।